गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो हम लोग का ब्लॉग होगा वो होगा एक एक्सक्लूसिव ब्लॉग, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा। जस्ट लाइक हम लोग जाएंगे कैलंगुट से पालोलम बीच, और उसके साथ करेंगे चार पांच बीचेस के एक्सप्लोर करेंगे, और साथ में दो तीन चर्चेस जो फेमस चर्चेस हैं उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए आज का ये प्रोग्राम है, हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो और दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, क्योंकि आज हम लोग जाएंगे मोटा मोटी 250 किलोमीटर हम लोग का टोटल जर्नी होगा, क्योंकि कैलंगुट से जो पालोलम बीच है इसका डिस्टेंस है 85 किलोमीटर। तो वो बाकी जो घूमने का होगा टोटल घूम के हम लोग टोटल मोटा मोटी 250 किलोमीटर्स होगा, जिसमें मेरा पिछवाड़ा कुछ रहेगा नहीं, नो इशू। चलिए फिर एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग जिस रोड से जा रहे हैं ये है NH66, ये है आपका मदुरई कोची कन्याकुमारी हाईवे। इस रोड से आप लोग चेन्नई तक जा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना था, पेट्रोल पम्प यहाँ पे बहुत कम है। हम लोग को कम खर्चा में चाहिए था तो हम लोग खोज के पेट्रोल पम्प निकाले, लेकिन एक्चुअली पेट्रोल पम्प यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए रोड के साइड में छोटा छोटा हर दुकान में बोतल में एक एक लीटर करके पेट्रोल मिलता है। पंप में यहाँ पे पेट्रोल का दाम कम है, 95 रुपीज़ पर लीटर, और दूसरी जगह पे आपका पड़ेगा बाहर में पड़ेगा 115 रुपया। अभी जो हम लोग ब्रिज से जा रहे हैं ये है अटल ब्रिज। ये ब्रिज 2019 में इसका उद्घाटन हुआ था 5 फरवरी। इसका टोटल लेंथ है 5.1 किलोमीटर, इसका टोटल लेंथ है। ये मंडोवी रिवर के ऊपर ये स्थित है। हम लोग उसी रोड पे जा रहे हैं। अभी ये ब्रिज, ये हैंगिंग ब्रिज है, रोप ब्रिज है। ये रोप ब्रिज जो है ये इंडिया में थर्ड पोजीशन में आता है। ये 5.1 किलोमीटर है, और जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लेंथ वाला है वो चाइना में है। तो अभी हम लोग उसी में जा रहे हैं। और ये देखिए जो है सुबह सुबह है, तो सनराइज जो हुआ है बहुत सुंदर सा, वेदर बहुत सुंदर सा है, इसी में हम लोग अभी जा रहे हैं। तो दो चार इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दें, एक तो पेट्रोल का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिए, और दूसरा यहाँ पे चाय का दुकान कम है और वाइन शॉप ज़्यादा है, बार रेस्टोरेंट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे। और एक चीज़ प्लीज़, यहाँ पे जो है सिटीज़ जो है ना, ये सिटीज़ बहुत सुंदर, मतलब बहुत बहुत ऑर्गेनाइज सिटीज़ है। बहुत सिटी, ये स्टेट सबसे छोटा है लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग जो बोल रहे हैं, तो बार और रेस्टोरेंट के बारे में जो बोल रहे थे, कि वो बार रेस्टोरेंट यहाँ पे हर 50 मीटर में आपको बार, नहीं तो रेस्टोरेंट, बार रेस्टोरेंट नहीं तो वाइन शॉप आपको मिल जाएगा वहाँ। यहाँ पे सबसे कम दाम में मिलता है यहाँ का लोकल वाइन फेनी। तो ये फेनी का दाम यहाँ से मोटा मोटी 150 रुपये से शुरू होकर 800 रुपये तक जाता है। दो तीन वेराइटीज़ यहाँ पर मिलता है, फिल्टर नॉन फिल्टर ये मिलता है। तो उसमें ये भी एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। सो और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं कि यहाँ पे गोवा में ना ओला उबेर नहीं मिलता है। यहाँ पे ओला उबेर से कोई काम नहीं चलता है, यहाँ पे चलता है गोवा माइल्स। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको गोवा माइल्स, ये गोवा माइल्स जो है ये आपको, आप गूगल ऐप्स पे जाइएगा तो गोवा माइल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे करते हैं कि ओला उबेर में होता है ना, पेमेंट हम लोग बाद में करते हैं, गाड़ी में चढ़ के अपना डेस्टिनेशन पहुँच के पेमेंट करते हैं, यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है। यू हैव टू पे फास्ट, आपको आगे पहले पेमेंट करना होगा, वो लोग बजट देगा आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद आप गाड़ी में चढ़ पाइएगा, वो गाड़ी आएगा। OTP वाला सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो ये एक यूजेबल आपको इन्फॉर्मेशन देना था। सो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वो मैंने दिया। तो और बाकी साथ में बने रहिए, आगे आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे जैसे जा होगा आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ का रोड देख के बहुत अच्छा लगता है, देख के लगता है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, मतलब सही में। ये हम लोग जो जा रहे हैं ये रोड स्टेट हाईवे है। दाहिने तरफ हम लोगों का है NH66, और बाएं तरफ ये जो हम लोग है, ये रोड हम लोगों का है, ये है स्टेट हाईवे। देखिए इसका कंडीशन भी देखिए, बीच में बम्पर नहीं है, कहीं टूटा फूटा नहीं है, नेचुरल ब्यूटी बहुत बढ़िया, नेचुरल ब्यूटी है। सही माने बोले तो बहुत अच्छा लग रहा है जाने में, मतलब बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग रेंटेड बाइक नहीं है, उसका कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि रोड कंडीशन इतना अच्छा है।
सुप्री स्टेट इमोनी। हम पालोलेम बीच में आ गए हैं अभी तक, मतलब अभी गए नहीं क्योंकि उससे पहले ही हम लोगों को बहुत भूख लगा है, तो इसलिए हम उसके पालोलेम बीच के नज़दीकी एक रेस्टोरेंट है वहीं पर आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो हमने ऑर्डर की है वेज सैंडविच उसके साथ चाय। ये जो है अभी मोटा मोटी ये डिस्टेंस पर हम लोग अस्सी किलोमीटर्स वाला डिस्टेंस, तो अभी हम लोग पहुँचे आने में मोटा मोटी 2.5 घंटा लगा। तो करने के बाद अभी थोड़ा सा चुप, मैडम बोली वैसे ही भूख लग गया था, तो अभी थोड़ा सा खाने के लिए आए हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ खाना खाएंगे, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, नाश्ता करेंगे और चाय पियेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे एक्सप्लोर करने पालोलेम बीच। गाइज नाउ वी आर इन पालोलेम बीच। हम लोग बीच पे आए हुए हैं, आगे जो आप देख रहे हैं वो बाएं तरफ जो सामने टीला देख रहे हैं वो है मंकी आइलैंड। इसका नाम जाना जाता है मंकी आइलैंड बोल के, मेरे जैसे बंदर वहाँ पे रहता है इसीलिए मंकी आइलैंड उसका नाम है। तो बीच के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। ये बीच है वो जो देख रहे हैं बाएं तरफ, तो ये जो है ये बीच सी टाइप में आता है। सी टाइप मतलब इसका शेप सी टाइप में आता है, और कोई भी कोला से जाइएगा, कोई भी सिरे से जाइएगा तो बीच में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे आप देख पाइएगा, दैट इज मीन्स ये सी टाइप में है और इसका सैंड जो है ये वाइट कलर में आता है। तो ये डिफरेंट शेड का सैंड यहाँ पे हर जगह पे गोवा में हर हर बीच में आपको मिल जाएगा। कहीं पे आपको वाइट मिल जाएगा, कहीं येलो वाइट मिल जाएगा, कहीं पे येलो मिल जाएगा, कहीं पे ब्लैकिश मिल जाएगा, कहीं ब्लैकिश सिल्वर मिल जाएगा, ये है। तो द थिंग इज देयर इसमें ये जो पाम ट्रीज है, यू कैन सी द पाम ट्रीज, ये लाइन विथ द पाम ट्रीज एंड द कलरफुल वुडन शैक्स, एंड इसमें इसका एकोमोडेशन, इसमें एकोमोडेशन प्लस रेस्टोरेंट भी इसमें है। इसमें आपका रहने का खर्चा पड़ता है मोटा मोटी 2,000 से 5,000 तक। ये वुडन शैक जो है ये सी फेसिंग होता है, मतलब आप रूम से बैठ के बरामदा में बैठ के आप समुंदर का जो है मजा ले सकते हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग ऑफ दैट इसमें है। तो हम लोग अभी ये महीना दिसंबर है, दिस इज द मंथ ऑफ दिसंबर 24th 2021। अभी हम लोग एक टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में कोल्ड वेव चल रहा है, यहाँ पे इतना गर्मी है कि हम लोग पसीना पसीना हो रहा है। यू कैन सी दैट हम एक लाल आपका कमीज पहन के टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बीच का जो पानी है ये पूरा एकदम ब्लू कलर में आता है, पूरा ब्लू यहाँ पे पूरा गोवा में ये ब्लू आता है। तो नहाने का बहुत बढ़िया है, देखिए कितना जन यहाँ पे नहा रहा है, देखिए इस बीच में आप ज्यादा वाटर एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वाटर एक्टिविटीज है, वो है कायाकिंग और बोट राइडिंग। बोट राइड करके आप वो जो आइलैंड है वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन कायाकिंग कर सकते हो। एक आदमी का 250 रुपीज और दो आदमी का 500, लेकिन ये लोग टू पीपल 400 में दे देता है। ओनली कायाकिंग और कुछ एक्टिविटीज नहीं है यहाँ पर। हम लोगों का पालोलेम बीच का एक्सप्लोर हो गया, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बेनाउलिम बीच पे, बीच के तरफ में हम लोग जा रहे हैं अभी। ये देखिए सुंदर सा दुकान, यहाँ पे हर बीच से करीब 200-250 मीटर आगे से ही आपका दुकान चालू हो जाता है, यहाँ पे ये सिस्टम है।
इस रोड्स के साइड में आप लोग देख पा रहे हैं बहुत सारा रिसोर्ट है। तो यहाँ पे ये सिस्टम है, देखिए यहाँ पे ये सिस्टम है कि आपको रोड में चलते नॉर्मल रोड में चलते हुए पता नहीं चलेगा कि सामने आप लोगों का इतना अच्छा सा बीच है या रहने का जगह है, लेकिन बीच से ही आप 500 मीटर 300 मीटर आगे से ही लोकेलिटी और उसके साथ सब ये चालू हो जाता है। पालोलम बीच से बेनाउलिम बीच पे आ गए हैं। यहाँ पे पहला इंट्रोडक्शन ये देते हैं, इसको एक्सप्लोर करने आए हैं। देखिए इसका सैंड जो है ये येलो कलर में है, वो आपका पालोलम बीच में जो सैंड था वो वाइट था, जैसे मैंने आपको बोला हुआ था। देखिए यहाँ पे ये येलो कलर का ये सैंड है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे शैक कम है, इसमें शैक कम है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारा नाव है जो मछुआरे लेके जाते हैं यहाँ पे। बेसिकली हम जो इसको देखे हैं कि इसमें नाव का ही जो है ज़्यादा, इसका नाव भी थोड़ा सा दूसरे तरफ है, दो साइड में इनका जो है लकड़ी का कुछ लगा हुआ है बैलेंस करने के लिए। देखिए आप लोग डिफरेंट कलर का है इसमें, उसमें डिफरेंट कलर का होने से क्या हो रहा है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये बाएँ तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये एक रेस्टोरेंट, अच्छा सा एक रेस्टोरेंट है, और पाम ट्रीज तो यहाँ पर फ्री में मिलता है। तो और ये जो आप देख रहे हैं ये फिशिंग नेट है, इनका काम आज का हो गया है, हम इनसे बात किए थे तो आज इनको काम ख़त्म करके फिर कल सुबह निकलना है भोर। तो फिर यहाँ पे हम लोग अपना वीडियो जो है एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि औरों को ये वीडियो मिल जाए। और जो है अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं की है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर वीडियो, ताकि और बेल आइकन को भी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि बाद में अच्छा अच्छा जो वीडियो हम लोग पोस्ट करें वो आप लोगों को मिलता रहे। तो स्टे ट्यून्ड, साथ में बने रहिए, आगे भी और अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा आपको। सो थैंक यू फॉर टिल टुडे, गुड बाय।